बहुत लंबी सी फील्डिंग है। सोल के खिलाड़ियों की बात करें, टीएसएम के अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छी फाइट ली, इनफैक्ट प्लेयर्स को डाउन किया जरूर, बट देन उसके आगे की फाइट लेनी पड़ेगी। इंसेंट के मैक गॉड लाइक के शैडो को डाउन करते नजर आएंगे। इंसेंट के खिलाड़ी जोन के पीछे से घूम करके आए हैं और गॉड लाइक को और ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं। दे आर बैक इंसेंट, दे आर नोन फॉर गॉड हंटर्स, उन्होंने पहले भी करा है, फिर से करके दिखा सकते हैं। अभी उन्होंने पहला नॉक तो निकाल दिया, शैडो को वहां पे कंप्लीट कर दिया। मैक ही इज अ डेंजरस मैन, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट जोनाथन इस बार बोल रहे भाई मैं इस बार माफ नहीं करने वाला हूं। यहां पे जैजी को भी नॉक कर दिया और एक और प्लेयर अपने साथ लेते हुए, तीन नॉक कर दिए जोनाथन ने। आई थिंक इंसेंट इस टाइम पे थोड़ा परेशान है, बट मैक हमेशा की तरह उस टाइम पे चमकते जब किसी को किस उम्मीद होती है, पर जी गॉड एक गोली के मेहमान है। क्या ये M416 कुछ कर पाएगी? जी गॉड टाइम भी पीछे हो गए ओशन इस गैंग के अंदर, अगर मैक निकाल गए दिस विल बी द 2-0 टू गॉडल। जो लेकिन एक बार देखिए जोनाथन की बात कर रहे हैं, तीन नॉक निकाल लेते, इनफैक्ट फिनिश नहीं हो पाए, बट वहीं पर एक बार चुके इनसेन के मैक के ऊपर प्रहार बन करके आए, लेकिन गॉड लाइक भी शायद ज्यादा देर तक जीवित ना रह सके। ये क्या हुआ भाई? खुश थी क्योंकि उनको लगा गॉड लाइक के जो खिलाड़ी है उनको फिनिश करेंगे, लेकिन किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। बहुत अच्छे रशेस करते नजर आए, इनफैक्ट ऐसे मौके पर पकड़ा प्लेयर्स को जब वो बहुत ज्यादा वीक मूवमेंट पर थे और वहीं पर प्लेयर्स को 50 किल्स, इसमें थर्ड बंदा है जिसके 50 किल्स है। किसके? जोनाथन। हाँ। पहला कौन है पता नहीं। What was that? चलती गाड़ियों में बगी में बैठे हुए थे गमला है।